महिला डॉक्टर के दोस्तों ने की थी लाखों की चोरी, 10 लाख से अधिक के आभूषण जब्त। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नागेश्वर धाम कॉलोनी में हुई सनसनीखेज 10 लाख रुपए से अधिक के जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। मामले में घर की डॉक्टर बेटी के दो मित्र ही आरोपी निकले। दोनों ने सूना घर देखकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दोनों आरोपी का घर में आना जाना था। उन्हें पता था कि घर की चाबी गमले के नीचे रखी जाती है। इसी का फायदा उठाकर दोनों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 25-16 सोना चोरी कर ले गए थे चोर। तराना रोड ग्राम बिछड़ौद में निर्मला इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल राघवेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी प्रीति द्विवेदी शिक्षिका हैं। डॉक्टर बेटी कीर्ति शहडोल में MBBS की पढ़ाई कर रही है। 13 अक्टूबर को उन्हें घर की पेटी में रखे 25-16 वजनी सोने के आभूषण और 20,000 रुपए नगद चोरी होने का पता चला था। वारदात को काफी शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। बदमाशों ने ना तो मकान का ताला तोड़ा था, ना ही पेटी का। शिक्षक दंपति ने मामले की शिकायत चिमनगंज थाना पुलिस को दर्ज कराई। मामला संदेहास्पद होने पर पुलिस ने शिकायत के आवेदन लिया और जांच शुरू की। घटना में CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस दो आरोपियों तक पहुंची और उनसे चोरी का करीब 10,50,000 रुपए के आभूषण भी बरामद कर लिए। एडिशनल SP गुरु प्रसाद पराशर ने बताया कि घर में चोरी हुई मामले में पेटी का तथा अलमारी का ताला लगा हुआ था और घर का भी ताला नहीं टूटा हुआ था, लेकिन सोने के आभूषण, बैग सहित कोई अज्ञात चोर सोने का हार, 14 नग सोने की चूड़ी, 12 नग सोने के कड़े, 1 सोने की चैन, 2 नग सोने के मंगलसूत्र, 4 नग सोने की अंगूठी, सोने की नग 6, सोने के झुमके, 2 सोने के टॉप्स, 3 नग पेंडल, 1 नग सोने का हार, जो एक पीले रंग के बैग में रखे हुए सभी आभूषण चुरा ले गए थे। विवेचना के बाद यह जानकारी मिली कि राघवेंद्र कुमार द्विवेदी की पुत्री कीर्ति शहडोल में रहकर MBBS की पढ़ाई की थी। तभी से इमरोज एवं शुभम उर्फ सानू का उनके घर पर आना जाना था। मोहम्मद इमरोज की गाड़ी इनके द्वारा अपनी आवागमन के लिए कई बार इस्तेमाल की गई, जिसके कारण इनके पारिवारिक संबंध हो गए थे एवं इन लोगों को इस बात का पता था कि घर की चाबियां घर के बाहर गमले के नीचे रखी रहती थी। इसी का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे पहुंची पुलिस आरोपियों तक। पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास की CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल क्रमांक MP18MK8470, जो शेडोल पासिंग होना पता लगी। इस मोटरसाइकिल की तलाश करते पता लगा कि यह मोटरसाइकिल शेडोल निवासी अमन मांझी के नाम पर रजिस्टर्ड है तथा अमन मांझी शीतल नगर रेडिसन चौराहा इंदौर में रहकर कोचिंग कर रहा है। अमन मांझी को तलाश करते उनसे पूछताछ पर पता लगा कि दिनांक 9/10/2023 को शेडोल से उसके परिचित मोहम्मद इमरोज तथा शुभम उर्फ शानू केवट इंदौर आए थे तथा इंदौर घूमने के लिए उसकी मोटरसाइकिल MP18MK8470 लेकर गए थे। अमन के द्वारा बताए गए इस तथ्य की पुष्टि उसके साथ रहकर पढ़ाई करने वाली राजीव बघेल के द्वारा भी की गई थी। पुलिस ने बताया कि एक बदमाश पैदल अपनी महिला मित्र डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही कीर्ति के घर तक पहुंचा था और चाबी से ताला खोलने के बाद 10 से 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर वापस ताला लगाकर पैदल कॉलोनी के बाहर तक आया है, जहां उसका साथी बाइक लेकर खड़ा था, जिस पर सवार होकर दोनों फरार हुए हैं। मामले के खुलासे में सराहनीय भूमिका थाना प्रभारी चिमनगंज मंडी आनंद तिवारी, उप निरीक्षक SS मंडलोई, प्रधान आरक्षक सुनील परमार, प्रधान आरक्षक नितिन चौहान, आरक्षक सुनील बिठारे, महिला आरक्षक प्रभात दुबे की रही। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।